दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। सभी मेरे साथियों से मेरा निवेदन है जो लगातार मुझे ट्वीट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से आप मांग करते हो कि नई भर्ती आनी चाहिए, लंबित भर्ती पूरी होनी चाहिए, बाहर राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए, परिणाम जारी होना चाहिए, एग्जाम होनी चाहिए। तमाम उन साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, इस कोविड-19 की महामारी के दौरान आप सबको ज्यादा भीड़ में नहीं, एक या दो प्रतिनिधियों के साथ एक भर्ती का एक अभ्यर्थी 4 नवंबर को सुबह 10 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश कार्यालय त्रिवेणी नगर रिद्धि सिद्धि से आगे है, प्रेम नगर विस्तार में है, आप सबको पहुंचना है। फिर ये मुझे मत कहना कि आपने हमारी भर्ती का नाम नहीं लिया, आपने हमारी आवाज नहीं उठाई। ये जो लड़ाई है जिसकी 4 नवंबर को हम घोषणा करने वाले हैं, या आर पार की लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ है, मंत्रियों के खिलाफ है, अधिकारियों की तानाशाही के खिलाफ है, और समय पे भर्ती और समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले, इसको लेकर हम सब मिलकर एक बड़ी रणनीति के साथ 4 नवंबर को आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सब 4 नवंबर को सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचे। फिर बाद में मुझे दोष मत देना कि आपने हमारे भर्ती का नाम नहीं लिया, आपने हमारी आवाज नहीं उठाई। जो भाई आएगा उनकी आवाज प्राथमिकता के साथ उठाई जाएगी। सभी से मेरा निवेदन है अपनी भर्तियों के प्रतिनिधि के तौर पर आप लोग 4 नवंबर को सुबह 10 बजे पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।